नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 10 फरवरी। जैसे कि आपको पता है, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी में। तो इससे पहले का अगर आपने व्लॉग नहीं देखा है तो व्लॉग देख लेना। फर्स्ट एग्ज़ाम की भी व्लॉग मैंने शूट किया था। और कल मेरा फिर एग्ज़ाम है, जो कि है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। बड़ा ही थोड़ा डिफरेंट, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। तो आप पीछे देख रहे हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ मैं फ़िलहाल, ये देख रहे हो आप। तो आज पढ़ रहा था, खैर सुबह से, तो आज शाम को अब मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी बज रहे हैं 6:30। और एक और चीज़ दिखाता हूँ आपको, इसमें है मेरे टर्टल के टैंक का फिल्टर का ऊपर का पार्ट, मतलब मशीन। ये आप देख रहे हो, ये क्या है, बहुत दिन से मतलब मशीन तो चल रही है लेकिन ये बबल्स नहीं दे रही है, तो फिल्टर साफ़ सफाई नहीं कर पा रहा है कछुए के टैंक में। तो इसको अभी अमर भैया के पास ले चलते हैं और उनको दिखाएंगे, तो वो सही कर देंगे, उनने बोला था। तो अभी बस उनकी दुकान पे चलेंगे। और आज ग्वालियर में तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नहीं, ठंड सी है, क्योंकि यूपी साइड बारिश हो रही थी। फिर तो ये फिल्टर मशीन सही करा के लाते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। तो चलते हैं फिर। चलो बाहर, चलो बाहर, चलो बाहर, लो तो गाइस, ये जो गाय है ना, ये डेली शाम के टाइम 5 बजे से यहीं आसपास खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसको पता चल गया मैं इसको डेली रोटी वगैरह देता हूँ। क्या है, क्या है, चलो उधर। अरे खा तो ली, अब क्या खाना है, चलो उधर, अब नहीं है, बाद में। अब फिलहाल अभी मैं अमर भैया की दुकान पर आया हूँ, फिल्टर वो मशीन सही कराने, जैसा कि आपको बताया था। और यहाँ पर अभी इनके पास नया माल आया, ये देखो आप पीछे, मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो पॉलिथीन में भी इनका माल आया है, सीधे स्टेशन से उठाकर आए। ये देखो इसमें फाइटर फिश है ये, और कुछ इनने इसमें निकाली भी है अभी, और ये बाकी की निकाल भी रहे, ब्लैक गोल्ड फिश है देखो। और कौन कौन सी वैरायटी आई है अपने पास अभी? अपन पे काफ़ी आ गई है, अपन पे काफ़ी स्टॉक आ गया, अपन पे कार वैरायटी में स्मॉल गोल्ड, ब्लैक गोल्ड वगैरह, मोली भी आ गई है। हार्ड फिश कौन सी आई है? पहले के अकॉर्डिंग रेट भी सस्ती हो चुकी है। हार्ड फिश में कौन कौन सी आई है? हार्ड फिश में अपन पे एंजल डायमंड है, कलर ब्लू भी आ गई, कलर ब्लू आते हो दिखा सकते हो। ये देखो ये कितनी प्यारी लग रही है, येलो येलो सी, और इसमें दूसरा कलर भी है पिंक का, पिंक वाला। ये कितने का पेयर है? ये वाला अभी रेट का कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, अभी माल खुल जाएगा उसके बाद में। अभी इनका माल आया, देखो पन्नी भी पैक ऐसी आती है, अभी इसकी अनबॉक्सिंग ये कर रहे हैं धीरे धीरे। पहले इन्हें पानी सेट करने के लिए टेम्परेचर ये इसमें डाल रखी है पन्नियाँ। ये देखो मॉली है, ऑस्कर भी आई है, और देखो आपको पैरेट फिश दिखाता हूँ। ये देखो ये होती है पैरेट फिश, येलो पैरेट फिश आई है, और ये रेड पैरेट, रेड पैरेट चार है ये। हाँ जी, दो पीस चार मंगवाए अपन ने, चार है अभी, और ऑस्कर भी होंगे। और ये देखो बड़े साइज में कार्प आए हैं, और ये फ्लावर ऑन, ये तो आप सबने देख लिया है। और ये माल इनका आज खुल जाएगा, फिर आप कल ये सब ले सकते हो। फाइटर फिश भी आई है देख लो, फाइटर फिश अपने काफी सस्ती और अच्छी रेट में आई है, जिस कस्टमर को भी चाहिए वो क्या अपना अभी से ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। अगर आपको भैया की दुकान का एड्रेस देखना है, मोबाइल नंबर चाहिए, तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ऊपर आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं जाकर भैया का कांटेक्ट। पूरी वीडियो बनाई है मैंने फिशेक पे इनकी दुकान की, अभी 2-3 दिन पहले ही बनाई थी, तो वहाँ से आप नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर भी देख सकते हैं और एड्रेस भी पता कर सकते हैं। तो अभी मैं फिल्टर, मुझे नहीं पता था भैया का माल आया, मैं तो अपना फिल्टर मशीन लेकर आया था सही करवाने, तो मैंने देखा तो अनबॉक्सिंग कर रहे थे भैया। ये ब्लैक गोल्ड है, काफी सस्ती रेट और अच्छी वैरायटी। ये सॉफ्ट फिश है ब्लैक गोल्ड, ये देखो ये पॉलिथीन, ये पहले इसका टेम्परेचर ये पानी से मिला रहे हैं, फिर उसके बाद पॉलिथीन से बाल्टी में सारी फिश निकाल के फिर टैंक में डाल रहे हैं, आधे घंटे का, क्योंकि क्या है एकदम से डाल दो ना तो पानी का टेम्परेचर से वो दिक्कत हो जाती है, तो मछलियाँ मर जाती हैं फिर। मुझे तो ये वाली काफी मस्त लग रही है, पिंक कलर की।
ये अभी पॉलीथिन में, जब खुल जाएंगे ना तब अच्छे से देखेंगे। ये देखो, और पैरट फिश भी मेरी फेवरेट है, जो कि मैंने आपको दिखाई उसमें। तो अभी काफ़ी अच्छी फिश आई है, अगर आपको चाहिए हो तो आप आ सकते हो भैया की दुकान पर। अभी फ़िलहाल मैं फिल्टर सही करवा के भेजाते हैं घर पर, अभी कल पेपर है पढ़ना अभी है फिर। हाँ जी, तो अभी जैसे कि आपने देखा, अभी मैं फ़िल्टर सही कराने गया था, फ़िल्टर तो सही हो गया, घर पर आ गया हूँ। और आज मम्मी ने अभी बनाए पोहे बनाए हैं, क्योंकि मम्मी भी आज गई थी काम से बाहर, तो वो भी आज थक गई बहुत, तो उनने पोहे बनाए। अभी फ़िलहाल मैं पोहे और चाय, पोहे के साथ चाय पीता हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे जब तक नींद नहीं आ रही। दिन में मैं थोड़ी देर सो लिया था, आज आधे घंटे सो लिया था, तो जितने बजे तक जग सकेंगे जगेंगे, 12 बजे तक 1 बजे तक, फिर सुबह उठेंगे। तो अभी बस पहले मैं पोहे अपने ख़त्म कर, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं अपनी। ये है ना, स्टैटिस्टिक का हिंदी में मतलब क्या है, आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो न्यूमेरिकल फिगर्स हैं, इनको क्या किया जाता है, इनको कलेक्ट किया जाता है, इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको प्रेजेंट किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है, इनको इंटरप्रेट किया जाता है। तो इसे भी एग्जाम में जरूर लिखिएगा। क्या है ये मैम? अच्छा, इसमें ये मैम काफ़ी अच्छा पढ़ा रही है, मैं इन्हीं की वीडियोज़ देख रहा था, काफ़ी समझ में आया इन्हें जैसा समझाया, बढ़िया पढ़ा रही है। अगर आपको भी देखना हो तो मैं मैम के चैनल का नाम बता देता हूँ, अकाउंटिंग मास्टर क्लास मैम के चैनल का नाम है। आप इस पे MBA से रिलेटेड मैम समझाती हैं, तो आप भी पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। वैसे काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं मैम। अभी का सीन ये है, अभी बज रहे हैं रात के 12:30, मुझे आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, आप मेरी आँखों में भी देख पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, और लैपटॉप की बैटरी भी चली गई, तो अब इसको नीचे जाके चार्जिंग पर लगाता हूँ, और अब मैं सोने जा रहा हूँ। सुबह मिलते हैं आपसे, शुभ रात्रि। अभी मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि एक दो घंटे ही हैं, 8:30 तक पढ़ूंगा, उसके बाद फिर नहाना है, फिर तैयार खाना पीना खा के फिर निकलेंगे सीधे 9:30 तक, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी मैं हो गया हूँ नहाकर रेडी, और एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहा हूँ, बस अपना नाश्ता डेली की तरह करके, और यहाँ पर ये योगा की एक्टिंग करते हुए, सिर्फ एक्टिंग करती हैं, योगा वगैरह कुछ नहीं करती हैं। योगा भी कर लिया करो, बस बैठ जाएंगी और ऐसे ऐसे थोड़ा पैर हिला लेंगे, हो गया योगा, आधे घंटे तक बस यही करती हैं। ये देखो ऐसा योगा होता है इनका। तो चलो मैं तो खा के निकलता हूँ, क्योंकि लेट हो गए, 9:30 बज गए। मैं आ चुका हूँ अभी एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो सभी बच्चे जाने लगे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, और वो जा रहा है अभिषेक, मैं भी जाता हूँ जल्दी एग्ज़ाम दे के आता हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। 3 hours later. हो गया है हमारा पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, कैसा गया तेरा? बहुत बिगड़ गया पेपर, बहुत कठिन। जोर से बोल, जोर से आवाज़ नहीं आ रही होगी। पेपर बहुत कठिन था, बहुत बिगड़ गया। कितने पेज भरे? 10 पेज भरना ही बहुत मुश्किल था, इतनी बेकार थ्योरी नहीं है, दिवाली वाले को पेपर चढ़ाना चाहिए। तेरा पेपर कैसा गया भाई? बेकार गया? क्यों? ठीक ठाक गया है, अच्छा नहीं गया, पहला वाला गया था ना, इसका सबसे बढ़िया गया है, तेरा तो बढ़िया गया है ना? नहीं, बहुत बेकार पेपर गया। पेपर तो हमारा सही चला गया है, मतलब ज़्यादा सही नहीं गया, लेकिन फिर भी ठीक ठाक गया है, बढ़िया। मैं आ रहा हूँ, ज़्यादा सही नहीं गया फिर भी ठीक ठाक गया है, बढ़िया। अभी फ़िलहाल देखते हैं आगे कुछ खाने के लिए रुकेंगे तो आपको दिखाते हैं, नहीं तो सीधे कर। गाइस अभी मैं आया हूँ फ़िलहाल बैंक ऑफ इंडिया BOI, एग्ज़ाम दे के सीधे यहीं पर आया हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा कुछ काम है, उसके बाद फिर एक और बैंक में जाना है मुझे, फिर जाऊँगा मैं घर सीधे। अभी मैं आया हूँ दूसरी बैंक SBI BOI से होकर, क्योंकि BOI में हो गया था लंच हो जाता है तो और ज़्यादा टाइम लगता है, आधा घंटा मैं बैठा रहा वहाँ पे। अब पीछे आप मेरे देख रहे हो SBI बैंक है, अब यहाँ का काम करना है, उसके बाद फिर घर जाऊँगा। अभी 10 मिनट पहले ही मैं घर पर आया हूँ, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, 3:30 बज चुके हैं आज, क्योंकि 2 बैंक गया था, 1 बैंक में लंच हो गया तो बैठा रहना पड़ा वहाँ पर, और फिर SBI गया, उसके बाद अब आया हूँ घर पर। और अभी मैं खाना लेके आया हूँ, खाने में आज है तो मैं अपना खाना खाता हूँ।
फ़िलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, क्योंकि अगर और ब्लॉग बनाऊँगा तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाएगा। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिया करो यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।